तो गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम का मेन प्लॉट ये है कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल यूज कर रहे हैं पीटर की आइडेंटिटी को वापस सीक्रेट बनाने के लिए। पर ये सब कुछ इतना सिंपल है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी दो चार लोग ही जानते हैं। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये बात नेड, आंट मे और एमजे के साथ साथ कुछ शील्ड एजेंट से लेकर सारे एवेंजर्स तक जानते हैं। ऊपर से स्पाइडरमैन जिस आदमी का टेक यूज कर रहा है उसकी फैमिली भी उसकी आइडेंटिटी जानती है। तो जितनी प्रॉब्लम्स पीटर को तब फेस करनी पड़ेगी जब सब उसकी आइडेंटिटी जानते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स पीटर को तब फेस करनी पड़ सकती है जब वो लोग उसकी आइडेंटिटी भूल जाएंगे जो ऑलरेडी जानते हैं। इन सब के ऊपर हम यहाँ वन मोर डे, ब्रांड न्यू डे और वन मोमेंट इन टाइम जैसी कॉमिक्स के कुछ पेजेस भी खोलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पीटर की लाइफ वापस नॉर्मल कैसे हुई थी। तो दोस्तों मैं हूँ अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं इस फैक्ट की कि क्या होगा जब लिटरली सब स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी भूल जाएंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि कौन कौन स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी जानता है। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये बात टोनी स्टार्क और हैप्पी जानते थे। उनके साथ साथ नताशा भी इस बारे में जानती थी, जिनके बाद नेड लीड्स को पीटर की आइडेंटिटी के बारे में पता चला। इसके बाद एडियन टूम्स को पता चला कि उसकी बेटी का क्लासमेट पीटर ही स्पाइडरमैन है, और उसके बाद आंट मे को पीटर की सच्चाई के बारे में पता चला। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हुए जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चला जब वो लोग एबनी मॉ से निपट रहे थे। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में लिटरली जितने भी एवेंजर्स थे उन सबके सामने पीटर बिना मास्क के सामने आया। अब यहाँ एक कैच ये भी है कि पीटर पार्कर कोई जाना माना आदमी नहीं है, तो अगर यहाँ लोगों ने उसके चेहरे को देख भी लिया तो भी कई लोग बहुत मुश्किल से ये फिगर आउट कर पाएंगे कि ये बंदा है कौन। इसके बाद टोनी के फ्यूनरल में जितने भी लोग थे उन सभी को पीटर की आइडेंटिटी के बारे में पता है, जिनमें निक फ्यूरी भी शामिल थे। तो निक फ्यूरी के खास लोग जिनमें मारिया हिल और टेलोस भी शामिल है, वो भी स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। और इसी दौरान मिशेल जोन्स यानी कि एमजे को भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। तो कुल मिला के बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो बात करते हैं कि पीटर की सच्चाई बाहर आने की वजह से क्या होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, एक सुपर हीरो की सीक्रेट आइडेंटिटी बाहर आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। जैसे जो जो लोग उस सुपर हीरो की वजह से जेल गए हैं वो सभी उसके और उसके करीबियों को नुकसान पहुंचाने निकल जाएंगे। इन सभी में स्कॉर्पियो सबसे आगे है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुए इवेंट्स की वजह से पीटर पर सुकोविया अकॉर्ड्स के तहत कार्यवाही होगी, जहां वो मोस्ट प्रोबेबली जेल भी जा सकता है क्योंकि उसने अकॉर्ड्स के सामने आने के बाद भी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी गवर्नमेंट के सामने रिवील नहीं करी। अगर आप फेज 1, 2 और 3 पर ध्यान दो तो ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स की सीक्रेट आइडेंटिटी पब्लिक के सामने ही थी। आगे वल्चर के गैंग के लोगों की बात करें जैसे शॉकर और टिंकरर, ये भी स्पाइडरमैन से बदला लेने निकल जाएंगे। और लास्ट में वो इवल ऑर्गेनाइजेशंस पीटर के पीछे होंगी जो कि स्पाइडरमैन की पावर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हाइड्रा और पावर ब्रोकर के लोग। अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कॉमिक्स में क्या हुआ था। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी कई बार पब्लिक के सामने आ चुकी है। अगर आपने इस चैनल पर सिविल वॉर कॉमिक सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि कॉमिक्स की सिविल वॉर में स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। हालांकि इसके बाद वन मोर डे स्टोरी लाइन में आंट मे को गोली लग जाती है, जबकि गोली चलाने वाला एम कर रहा होता है पीटर की तरफ। तो जब आंट मे मर रही होती है तभी मेफिस्टो सामने आता है और बोलता है कि मैं आंट मे को मरने से बचा सकता हूँ, पर बदले में तुम उस रियलिटी में होगे जहाँ तुम्हारी और एमजे की शादी कभी हुई ही नहीं थी। अब मेफिस्टो ने राम जाने ऐसा क्यों किया, पर इसके लिए एमजे मान जाती है और लगे हाथ पीटर की आइडेंटिटी वापस सीक्रेट हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। तब शुरू होता है ब्रांड न्यू डे स्टोरी लाइन, जहां लोग भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। हालांकि अब स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा होता है कि कोई उसका चेहरा ना देखे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मैजिक की वजह से पीटर और एमजे के अलावा सभी स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी भूल चुके हैं, उसी मैजिक की वजह से अगर उन्हें स्पाइडरमैन के चेहरे की एक झलक भी मिली तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो अब पीटर के लिए अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना और जरूरी है, क्योंकि इस मैजिक के पहले अगर पीटर की आइडेंटिटी किसी के भी सामने आती तो पीटर के लिए ज्यादा खतरे वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो कोई नॉन पब्लिक फिगर तो है नहीं जो उसे देखते ही लोग बोले कि अरे ये तो पीटर पार्कर है। जबकि अब स्टेक्स हाई है, क्योंकि अब पीटर की आइडेंटिटी के साथ साथ उसके चेहरे को देखने वाले लोगों को सिविल वॉर के इवेंट्स भी याद आ जाएंगे। अब बात करते हैं वन मोमेंट इन टाइम की। तो इस स्टोरी लाइन में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि लोग भूल जाएं कि वो स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए टोनी और रीड रिचर्ड्स के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। तब पीटर एक प्रोटेक्टिव शेल में खड़ा होता है जिसके बाहर सारे लोग अब ये भूलने वाले हैं कि स्पाइडरमैन असली में कौन है। तभी पीटर मैरी जेन को भी उस शेल में खींच लेता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पूरा होता है और पीटर और एमजे के सिवा किसी को भी नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन असली में कौन है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नो वे होम में भी हो सकता है, क्योंकि हमने एक प्रोटेक्टिव शेल ट्रेलर में भी देखा था, प्लस हमने स्पाइडरमैन के फर्स्ट लुक में पीटर, एमजे और नेट को भी सैंक्टम सेक्टोरम में देखा है। तो इस बात के होने के बहुत चांसेस है कि पीटर यहाँ भी एमजे को अपने साथ इस शेल में इंक्लूड करे। अब बात करते हैं कि अगर सभी के सभी पीटर की असली आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो क्या होगा। अब पीटर की आइडेंटिटी सब भूल जाते हैं तो सवाल उठता है कि क्या वो उसके अच्छे कामों को भी भूल जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुख की बात होगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी प्रॉब्लम है, पीटर पार्कर के एक सूट को छोड़कर बाकी सारे सूट रिजल्ट है स्टार्क टेक का। नॉर्मल सूट को इग्नोर भी किया जाए तो आयरन स्पाइडर बना है नैनोटेक से, तो उसको देखकर टोनी स्टार्क की फैमिली समझ ही जाएगी कि टोनी के टेक को कोई उनकी परमिशन के बिना यूज कर रहा है। प्लस मुसीबत में उसकी मदद करने वाले लोग जैसे घर पर आंट में, बाहर हैप्पी और स्कूल में नेड और एमजे अगर उसको भूल जाते हैं तब वो लिटरली अपनी परेशानियों के साथ अकेला ही है। शील्ड के लोग जैसे निक फ्यूरी और स्क्रल्स अभी तो स्पाइडरमैन को एक साथी एवेंजर की तरह ही मानते हैं, पर अगर वो लोग उसकी आइडेंटिटी भूल जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस पर नजर रख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं पोटेंशियल डेंजर की तरह। और यही तो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन आइडिया। यहाँ स्पाइडरमैन के अलावा यहाँ मुश्किल ही कोई सुपर हीरो है जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक या कम से कम गवर्नमेंट नहीं जानती। अकेले निक फ्यूरी ही कम से कम सारे सुपर हीरोज को पर्सनली जानते हैं। तो ओवरऑल ये सारी बातें कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो है ही, पर पीटर की आइडेंटिटी छुपे रहना उसके करीबियों के लिए बहुत सुकून की बात भी होगी, क्योंकि इसकी वजह से वो कभी चिंता में नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब मूवी का सेकेंडरी प्लॉट है, मेन प्लॉट है मल्टीपल स्पाइडरमैन और उसके मल्टीपल विलन्स का दिखना। पर हमें मूवी को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, हमें तो बस इस मूवी में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिख जाए, जिसके साथ साथ सारी स्पाइडरमैन मूवीज के सारे विलन्स दिख जाए, दो एमजे और एक ग्वेन स्टेसी दिख जाए, तीन अंकल बेन, तीन आंट में और पीटर के पेरेंट्स दिख जाए, दो वेनम और एक डॉक्टर स्ट्रेंज दिख जाए, डेडपूल, आयरन मैन और वॉचर दिख जाए, जिनके साथ साथ अगर बैटमैन और फ्लैश का कैमियो हो जाए तो बात ही कुछ और होगी। बस इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें इस मूवी से नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बारे में। इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ट्रेलर्स में हमें मूवी के बारे में ज्यादा कुछ ना दिखाया जाए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बीच की फाइट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।